तो नहीं है, तो मैम आप दूसरा मैं चैनल बना देखूंगी आगे कुछ दिन तक नया यूट्यूब चैनल बनाऊंगी। लो मैम, अगर आपको ज्यादा परेशान करते हैं तो फिर आप कानूनी कार्रवाई करो ना, आप लीगल एक्शन लो। आप तब तक टॉर्चर बर्दाश्त करोगे? छोड़ दो इन सबको, इन सबसे दूर चले जाओ, कहीं अदर कंट्री में बस जाओ। बस इन सबसे है ना पूरे कनेक्शन तोड़ दो, आप कांटेक्ट है ना इन सबसे खत्म ही कर दो, इन सबसे दूर चले जाओ। और आप बिल्कुल भी उदास मत रहा करो, आपको पता है आपके उदास रहने से है ना इसका इफेक्ट आपके जो लवर्स हैं, आपके जो सपोर्टर्स हैं, इन सब पे पड़ता है। आप जी स्ट्रोंग बनो, आपके साथ सब हैं, प्लीज अच्छा, मैम आप हाँ ऐसे मत रहो। मैं अच्छा आप सबसे बात करना चाहती हूँ, आप प्लीज ये किस कैसे हटेगा, आप हटा दें, मैं फिर बात करती हूँ सबसे। अच्छा ठीक है मैम, रुको। अच्छा आप सबको पता चल गया होगा मेरे चैनल का। और दूसरी बात है कि मुझे कोशिश करूंगी, फिलहाल मेरे दिमाग अभी काम नहीं कर रहा कि मैं और चैनल बनाऊं, और अभी फिलहाल मेरे पास चैनल नहीं है। अगर मेरे पास चैनल होता तो मैं ज़रूर वहां पर लाइव आकर आप सबसे बात करती। और यहाँ पे एक मैं बात बोलूंगी, जो इस टाइम सोशल मीडिया पर सबने मिलके मेरे साथ किया हुआ है, तो मैं उनको यही बोलूंगी कि कल को तुम लोगों की औलादें तुमको एक्सपोज करेंगी, जिन्होंने 1 साल से यही रट लगाई है और एक लड़की के पीछे हाथ धो के लगे हो। तो याद करोगे वो टाइम जब तुम लोगों के साथ ऐसा होगा, लेकिन मैं फिर भी तुम लोगों पर नहीं हंसूंगी, लेकिन याद जरूर आऊंगी कि हम किसी के पीछे पड़े थे और आज हमारे साथ ये हो रहा है। और वो होगा, वो टाइम जरूर आएगा। और किसी को ये लग रहा था कि सितारा ने कोई फेक आ, आ,